हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पॉपुलेशन, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 9 से। आप क्या ऐसी एक दुनिया को इमेजिन कर सकते हो जिसमें ह्यूमन बीइंग्स ना हो? सोचो, अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे तो कैसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका क्या कहते हैं इस्तेमाल होगा, या कैसे एक सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट हो। लोग बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी इकोनॉमी को या सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। लोग ही बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज को, और खुद भी जो है एक रिसोर्स होते हैं जिनकी अपने आप में अलग अलग क्वालिटीज होती है। कोल यानी जो कोयला होता है वो क्या है? वो एक रॉक का टुकड़ा है। जब तक लोगों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं इन्वेंट कर ली कि उसको जो है हासिल कर सके और फिर उसको रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसी तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ये कब हमारे लिए आपदा बनती है? जब हमारे ऊपर उससे असर पड़ता है, यानी एक बसा बसाया गांव या शहर जो है, जब उस पर इन बाढ़ का या सुनामी का असर पड़ता है, तब हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी आपदा है। इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक कह सकते हैं सेंट्रल एलिमेंट है सोशल स्टडीज के अंदर। ये वो पॉइंट है रेफरेंस का जिससे और बाकी एलिमेंट्स को हम देखते हैं और उसी से ही हम उनकी इम्पोर्टेंस को और उनके मीनिंग को निकालते हैं। रिसोर्सेज कह लो, कैलामिटीज कह लो, डिजास्टर्स कह लो, तभी मायने रखते हैं जब तक उनका संबंध ह्यूमन बीइंग्स के साथ है। उनकी संख्या, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी ग्रोथ, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज हैं, वो सब एक बैकग्राउंड का काम करती हैं ये समझने के लिए, या उनको समझने अच्छे से उनको समझने के लिए, उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं उनको बताने के लिए, जो कि सब एनवायरनमेंट के एक तरह से पहलू में मौजूद है। ह्यूमन बीइंग्स ही प्रोड्यूसर्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स ही कंज्यूमर्स हैं अर्थ के रिसोर्सेज। हम पैदा करने वाले भी हैं, हम उसका इस्तेमाल करने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमारे कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे और क्यों उनकी संख्या बढ़ रही है, और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इंडिया की जनगणना है वो हमें बताती है ये इंफॉर्मेशन कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है वो कितनी है। मुख्यतः हम लोग मेन तीन क्वेश्चंस हैं जिनको जो कि पूरी तरह से जनसंख्या से संबंधित हैं। एक है कि पॉपुलेशन का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। दूसरा, पॉपुलेशन की ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज की प्रक्रिया क्या है, कैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, कैसे समय के साथ उसमें बदलाव आए हैं। और तीसरा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज क्या है पॉपुलेशन की, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, और उनके हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन के साइज और डिस्ट्रीब्यूशन की। इंडिया का जो पॉपुलेशन और साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नंबर्स से पहले देखते हैं। जैसा कि मार्च 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1 to 10.6 मिलियन थी, जो लगभग 17.5% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। ये जो 1.21 बिलियन पीपल हैं, ये बहुत ही अनइवन तौर पर पूरी कंट्री का जो इतना बड़ा वास्ट एरिया है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये लगभग 2.4% जो है पूरे वर्ल्ड के एरिया का हिस्सा है। 2011 का जो सेंसस डेटा है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन साइज है वो 199 मिलियन है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है इंडिया का। उत्तर प्रदेश लगभग 16% जो है पूरी कंट्री की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। दूसरी तरफ हिमालय स्टेट जो है सिक्किम, वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 0.6 मिलियन है, या लक्षद्वीप की सिर्फ 64,429 लोग ही वहाँ रहते हैं। आधे से ज्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5 स्टेट्स में है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के मामले में, लेकिन वहां पर जो जनसंख्या है पूरी इंडिया की उसके हिसाब से देखें तो सिर्फ 5.5% ही लोग वहां रहते हैं। हम बार बार बात कह रहे हैं सेंसस की। सेंसस होता क्या है? सेंसस जो है एक आधिकारिक तौर पे जो हमारी जनसंख्या है उसका एक इवैल्यूएशन है हर कुछ टाइम पीरियड के बाद। इंडिया के अंदर जो सबसे पहला सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 में। पूरी तरह से जो सेंसस हुआ है वो हुआ 1881 में। उसके बाद से
हर 10 साल के बाद एक तरह से जनगणना होती है। सबसे ज्यादा इंडिया का जो सेंसस है वो कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है उसका, जो डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा है। आपने कभी सेंसस की रिपोर्ट देखी है? अगर कभी मौका मिले तो लाइब्रेरी में उसे जरूर देखिएगा। फिर आते हैं इंडिया की पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेंसिटी के अनुसार। पॉपुलेशन डेंसिटी हमें एक ज्यादा क्लियर पिक्चर देती है जिस तरह का हमारे यहाँ अनइवन तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया कितने हैं। इंडिया सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है पूरी दुनिया में। अगर पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है उनकी कंपेयर करें तो इंडिया सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। खाली बांग्लादेश और जापान जो है उनका एवरेज जो पॉपुलर डेंसिटीज है उससे थोड़ा ज्यादा है इंडिया के मुकाबले। पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है 2011 में वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी। अब डेंसिटी जो है वो कैसे वेरी करती है, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार में है तो सिर्फ 17 पर्सन जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। अगर आप अपनी बुक में देखें तो एक आपको फिगर दी गई है 6.3, उसमें यही दिखाया है कि किस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का या पॉपुलेशन डेंसिटीज का स्टेट लेवल। जिन भी स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है वहाँ का जो लैंडस्केपिंग है वो काफी उबड़ खाबड़ होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, इसी वजह से उन इलाकों में पॉपुलेशन बहुत कम है। और किन स्टेट्स की डेंसिटी जो है आपको देखना है उस फिगर में कि 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से कम। असम और ज्यादातर जो पेंसिनसुला स्टेट्स हैं उनकी एक ठीक ठाक सी पॉपुलेशन डेंसिटी है। हिली, थोड़े से कटे हुए अलग से रॉकी नेचर वाले जो टेरेन्स हैं वहाँ पे जहाँ बहुत ही नाम मात्र या कहने को ठीक ठाक रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं हैं, कम फर्टाइल ज़मीन है वहाँ की, उसी की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इन इलाकों में प्रभावित है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, केरला है साउथ में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि वहाँ के जो इलाके हैं वो बिल्कुल मैदानी फ्लैट इलाके हैं, ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है और भारी मात्रा में बारिश होती है। तो आपको ये बताना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स के जो हैं कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस जो हैं वो क्या है पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर बदलती रहती, चाहे नंबर हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंपोजिशन हो पॉपुलेशन का, वो लगातार बदलता रहता है। ये किस चीज का प्रभाव होता है, ये जो 3 प्रोसेसेस हैं, बर्थ रेट और डेथ और माइग्रेशन, इन तीनों के इंटरेक्शन के कारण ही ये प्रभाव पड़ता है। पहले कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग कंट्री टेरिटरी में किसी पर्टिकुलर पीरियड या एक निश्चित पीरियड के दौरान रहे हैं, सपोज कह लो कि पिछले 10 साल में जो लोग कितनी संख्या में किसी कंट्री या टेरिटरी के अंदर रहे हैं उनमें अगर उनकी संख्या में बदलाव आता है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। अब इस तरह के पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 तरीकों से बता सकते हैं, एक है एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में और एक है परसेंटेज जो चेंज हुआ है हर साल उसके टर्म में। एब्सोल्यूट नंबर में क्या होता है वो हर साल ऐड होते हैं या दशक वाइज ऐड होते हैं और यही जो है उनका पैमाना होता है बढ़त का। कैसे हमें ये मिलते हैं कि अगर हम जो पहले की जनसंख्या थी सपोज करो 2001 की, उसको बाद वाली जो जनसंख्या है 2011 की उससे माइनस कर दें तो हमारे को जो एब्सोल्यूट बढ़त हुई है वो पता चल जाएगी। जो रेट है या जो पेस है पॉपुलेशन का, ये भी इसकी जो बढ़त होना एक और दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है, ये परसेंट पर एनम में पढ़ा जाता है, यानी कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो 2% पर एनम है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी साल के अंदर हर 100 इंसान पर 2 लोगों की बढ़त हुई है, जैसा कि हमारी टोटल बेस पॉपुलेशन है। अगर हमें ये जानना है कि कितना परसेंटेज बढ़ा है तो मतलब ये हुआ कि 100 इंसानों पर 2 इंसान और बढ़ गए। इसको कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। इंडिया की जो पॉपुलेशन जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1951 में 361 मिलियन थी और जो कि 2011 में जाते जाते 1210 मिलियन हो गई है। आपकी बुक में जो टेबल दी हुई है 6.1 और जो फिगर्स दी हुई हैं 6.4A और 6.4B, वो यही बताती हैं कि 1951 से 1981 तक
जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई, जिससे ये पता चलता है कि बहुत तेजी से पॉपुलेशन में जो है वो बढ़त हो रही है। 361 मिलियन थी 1951 में, जो कि 683 मिलियन हो गई 1981 में। अब क्योंकि 1981 से लेके जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लगा। इस पीरियड के दौरान जो बर्थ रेट था उसमें काफी कमी आई, तेजी से कमी आई। तब भी 182 मिलियन पीपल जो है वो ऐड हुए टोटल पॉपुलेशन के अंदर 1990s में। ये बहुत जरूरी है इस चीज को रियलाइज करना कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जब लो एनुअल रेट जो है किसी पे भी अप्लाई होता है, खासतौर से बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे, तो वो बताता है कि कितना बड़ा एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है। जब बिलियन लोगों से ज्यादा इंक्रीज जो है, चाहे लोअर रेट ही हो, तो टोटल नंबर जो है वो जब ऐड किया जाता है तो वो काफी बड़ा बन जाता है। इंडिया का जो एनुअल इंक्रीज है पॉपुलेशन के अंदर वो इतना बड़ा है कि वो जो भी हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने का काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को सही करने का काम कर रहे हैं, वो सब बेकार हो जाता है। इधर जो ग्रोथ रेट में जो कमी आई है वो शायद कह सकते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर है जो हमारे कोशिशें हो रही है बर्थ कंट्रोल को लेकर उस पर। तब भी जो टोटल एडिशन हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, जो पॉपुलेशन बेस में एडिशन हो रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, और इंडिया जो है शायद चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा 2045 में और सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ का। तीन मेन प्रोसेसेस हैं इस पॉपुलेशन चेंज की: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। जो प्राकृतिक तौर पे पॉपुलेशन में बढ़त होती है वही जो है डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट में। सबसे पहले बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब हुआ कितनी नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हैं पर 1000 पर्संस एक साल के अंदर। ये बहुत बड़ा कंपोनेंट माना जाता है ग्रोथ का, क्योंकि इंडिया के अंदर बर्थ रेट जो है हमेशा डेथ रेट से ज्यादा रहा है। फिर आता है डेथ रेट। अब डेथ रेट क्या है? डेथ रेट का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्संस एक साल के अंदर कितनी हुई। मेन कॉज जो है रेट ऑफ ग्रोथ का जो इंडियन पॉपुलेशन का वो यही है कि जो डेथ रेट है उसमें बहुत कमी आई है। 1980 तक बर्थ रेट्स जो है वो ज्यादा थे और डेथ रेट कम थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया। 1981 में बर्थ रेट जो है वो भी उनमें भी कमी आने लग गई। फिर धीरे धीरे जो है जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था उसमें भी कमी आने लग गई। तो उसके पीछे जो है इस ट्रेंड के पीछे कारण क्या थे? तीसरा कॉम्पोनेंट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब हुआ कि लोगों का मूवमेंट चाहे रीजन्स के अक्रॉस हो चाहे टेरिटरीज के अक्रॉस हो। और माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी, यानी कंट्री के अंदर भी मूव कर सकते हो या दो कंट्रीज के बीच में भी मूवमेंट हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन से जो साइज है पॉपुलेशन का उसमें बदलाव नहीं आता, लेकिन हाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है नेशन के अंदर उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। माइग्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जो कॉम्पोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का उसमें चेंजेस के लिए। इंडिया के अंदर ज्यादातर माइग्रेशन जो है वो रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ होते हैं, क्योंकि पुश फैक्टर होता है रूरल एरियाज में, वहां पर गरीबी है, बेरोजगारी है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में क्या है, एक आकर्षण है, वहां पे जॉब के अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी लिविंग कंडीशंस हैं, तो जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ बहुत माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट मान सकते हैं पॉपुलेशन चेंज का। ये खाली पॉपुलेशन साइज ही नहीं चेंज करता है, बल्कि जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का, चाहे एज या सेक्स कंपोजिशन के टर्म्स में कहें, उसमें भी बताता है चेंजेस को। इंडिया के अंदर रूरल और अर्बन माइग्रेशन वो नतीजा है लगातार जो बढ़त हो रही है परसेंटेज में पॉपुलेशन के शहर और सिटीज के या टाउन्स के अंदर। अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 17.29% जो टोटल पॉपुलेशन थी 1951 में, अब वो बढ़कर हो गई है 31.80% 2011 में। इसी तरह से एक अच्छी मात्रा में बढ़त हुई है मिलियन प्लस सिटीज में, उनकी भी संख्या में जो है बढ़ोतरी हुई है, 35 से 53 हो गई खाली एक दशक के अंदर, यानी कि 2001 से अगर 2011 तक देखें तो जो मिलियन प्लस सिटीज हैं वो अब 35 से 53 हो गई। अगला टॉपिक है एज कॉम्पोजिशन। एज कॉम्पोजिशन जो पॉपुलेशन का है उसका मतलब कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है अलग अलग एज ग्रुप्स के कंट्री के अंदर, ये सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी पॉपुलेशन की। और काफी हद तक एक पर्सन की जो एज है वो
प्रभाव डालती है कि उसको क्या जरूरत है, क्या खरीदना है, क्या उसकी कैपेसिटी है जिससे वो परफॉर्म कर सकता है। तो जो नंबर और परसेंटेज है पॉपुलेशन की, हम जो चिल्ड्रन के वर्किंग एज या एज ग्रुप्स के बीच में पाई जाती है, वो काफी हद तक बताते हैं कि पॉपुलेशन का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। हमारी जो पॉपुलेशन है नेशन की, वो जनरली ग्रुप करी गई है 3 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में। पहले बच्चे जो 15 साल की उम्र से कम के हैं, ये ज्यादातर आर्थिक तौर पर इनका कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है, मींस अनप्रोडक्टिव होते हैं। इनको खुद को जो है एक अपनी हेल्प की जरूरत होती है, इन्हें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, पढ़ाई चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए, जिसके जो कि इनको प्रोवाइड करनी जरूरी है। फिर आती है वर्किंग एज। वर्किंग एज होती है 15 से 59 ईयर्स तक। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं। ये एक तरह से हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब इनके काम करने से बहुत चीजों में आर्थिक तौर पर बढ़ोतरी होती है, बायोलॉजिकली जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये जो है वर्किंग पॉपुलेशन माने जाते हैं। तीसरा होता है एजेड, यानी कि जो 59 ईयर्स से भी ज्यादा के हैं। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं पर अब ये रिटायर हो चुके, ये अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं पर एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है रिटायरमेंट के बाद। परसेंटेज जो बच्चों का है या जो एजेड लोगों का है, वो काफी हद तक डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ा देता है, क्योंकि ये ग्रुप्स जो है प्रोड्यूसर्स नहीं है। और जो प्रपोर्शन है तीनों ग्रुप्स का इंडिया के पॉपुलेशन में देखा जाए, वो आपको जो है फिगर 6.5 में बड़ा क्लियरली बताया गया है। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बताता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पॉपुलेशन में कितनी है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सामाजिक तौर पर इंडिकेटर है इस चीज को मेजर करने के लिए कि जो एक्सटेंट है हमारी इक्वालिटी की मेल्स और फीमेल्स के बीच में सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो कितनी है। तो जो सेक्स रेशियो कंट्री के अंदर है वो हमेशा अनफेवरेबल रहा है फीमेल्स के लिए। आपकी टेबल 6.2 जो है वो सेक्स रेशियो बता रही है 1951 से 2011 तक। फिर आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी यानी शिक्षा जो होते हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पॉपुलेशन। खाली जो इन्फॉर्म्ड है, जो एजुकेटेड नागरिक है, वो ही सही समझदार चॉइसेस करते हैं और रिसर्च का, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम को लेते हैं। लो लेवल जो लिटरेसी का है वो काफी हद तक एक बहुत गंभीर, हम कह सकते हैं, हिंड्रेंस है इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए। जो सेंसस 2011 का हुआ था, यानी कि उसके अनुसार एक इंसान जो 7 साल या 7 साल से उम्र का ज्यादा है, वो किसी भी भाषा को अगर पढ़ या लिख सकता है या समझ सकता है, तो उसको हम पढ़ा लिखा मानते हैं, लिटरेट मानते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी लिटरेसी लेवल में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। लिटरेसी रेट जो कंट्री के अंदर अगर 2011 के सेंसस को देखें तो 73% था, अभी 80.9% मेल्स का था, 64.6% फीमेल्स। अब ये भी सोचने वाली बात है कि इतना डिफरेंस क्यों। फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। परसेंटेज जो पॉपुलेशन का है, खास तौर से अगर वो आर्थिक तौर पे काफी एक्टिव है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स माना जाता है डेवलपमेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का अलग अलग तरीके की ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बहुत अलग तरह की वैरायटी जो है ऑक्यूपेशन की कंट्री में पाई जाती है। ऑक्यूपेशन जनरली जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के तौर पर क्लासिफाइड है। प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादातर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, ये सब आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, जैसे इंडस्ट्रीज में हो गई, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। और टर्शरी एक्टिविटीज मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन या और बाकी सर्विसेज। तो जो मात्रा है लोगों की जो काम कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज में, वो भी काफी हद तक वैरी करती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर काफी ज्यादा प्रोपोर्शन जो लोगों का है वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका ज्यादा प्रोपोर्शन जो वर्कफोर्स का है वो प्राइमरी एक्टिविटीज। इंडिया के अंदर 64% पॉपुलेशन जो है सिर्फ एग्रीकल्चर में एंगेज है। जो प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स पर निर्भर करता है वो सिर्फ 13 से 20%। काफी हद तक ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हुआ है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है उसमें बढ़ना शुरू हुआ है या उसमें तेजी आई है, तो जो शिफ्ट है अब वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ ज्यादा हो गया है।
हेल्थ हेल्थ भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, क्योंकि ये जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस पर असर डालता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स जो है वो रजिस्टर किए हैं हेल्थ कंडीशंस में इंडियन पॉपुलेशन के। डेथ रेट में कमी आई है, 25 per 1000 पॉपुलेशन के 1951 में जो थी वो अब 7.2 per 1000 रह गई है 2011 में। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बर्थ पे वो बढ़ी है, पहले 36.7 ईयर्स थी 1951 में जो कि अब 67.9 ईयर्स हो गई 2012 में। ये जो इम्प्रूवमेंट आया है ये मेनली नतीजा है बहुत सारे फैक्टर्स का, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है पब्लिक हेल्थ में, इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं उनमें रोक लगी है, मतलब उनको रोका जा सका है, जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस थी अब उनको लाया जा रहा है डायग्नोसिस के लिए या जो बीमारियाँ होती हैं उनको इनके इलाज के लिए। इतने सब अचीवमेंट्स के बाद भी जो हेल्थ सिचुएशन है वो आज भी काफ़ी चिंता का विषय है इंडिया के लिए। पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है जितना कि रिकमेंडेड लेवल है उससे, और मेल न्यूट्रिशन जो होता है कुपोषण जो है वो हमारी पॉपुलेशन के काफ़ी बड़े हिस्से को असर डालता है। साफ पीने का पानी या जो बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटीज होती हैं वो खाली 1/3 जो रूरल की पॉपुलेशन है उसको अवेलेबल है। ये प्रॉब्लम्स को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो है एक सही तौर पर पॉपुलेशन पॉलिसी लानी ज़रूरी है। फिर है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। सबसे महत्वपूर्ण फीचर जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका साइज जो उनके एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उसका, यानी जो टीनेजर्स होते हैं, इस ये लगभग 1/5 है टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसमें। एडोलेसेंट्स कौन होते हैं? जनरली जिनका एज ग्रुप 10 से लेकर 19 ईयर्स के बीच का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ये फ्यूचर की। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स इन एडोलेसेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है एक नॉर्मल चाइल्ड या एडल्ट से। अगर नहीं सही से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो उससे उनमें डिफिशेंसी आएगी, उनकी ग्रोथ जो है वो बाधित होगी। इंडिया के अंदर जो डाइट अवेलेबल है एडोलेसेंट्स के लिए वो उतनी पर्याप्त नहीं है सारे न्यूट्रिएंट्स के मामले में। बहुत बड़ी संख्या में जो गर्ल्स हैं एडोलेसेंट्स वो एनीमिया की शिकार होती हैं। उनकी अभी क्या कहते हैं जो समस्याएँ हैं उनको प्रॉपर सही अटेंशन नहीं मिली है इस डेवलपमेंट प्रोसेस में। एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपने आप में संवेदनशील होना पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स के लिए जो वो फेस करती है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, तभी जो ये लिटरेसी और एजुकेशन है इसको और ज़्यादा फैलाया जा रहा है और बेहतर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। फिर है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब जिस तरह की प्लानिंग फैमिलीज की आजकल हो रही है उससे जो है काफ़ी हद तक इंडिविजुअल की हेल्थ या वेलफेयर जो है उसमें सुधार आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसी तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसको उसने लाया था 1952 में। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो मेनली क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड पेरेंटहुड अपने वॉलंटरी बेसिस पे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NDP 2000 जो है वो एक तरह से इन्हीं का रिजल्ट है जो अब तक प्लान एफर्ट्स किए गए हैं। जो NPP 2000 की एक तरह से पॉलिसी है वो मेनली क्या हमें बताती है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाए जो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल तक की है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है उसमें कमी आई है 30 per 1000 लाइफ बर्थ्स, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो बच्चों का है वो अचीव किया है, जितने भी वैक्सीन से डिजीज को रोका जा सकता है, डिले करी गई है मैरिजेस लड़कियों के लिए, और फैमिली वेलफेयर जो पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम है उनको चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं NPP 2000 और एडोलेसेंट्स की। NPP 2000 जो है ये पहचान करता है एडोलेसेंट्स को कि ये सबसे बड़े मेजर सेक्शन है पॉपुलेशन के जिनको सबसे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, पॉलिसी साथ साथ जो है ज़्यादा जोर दे रही है और भी जो इम्पोर्टेंट नीड्स होती हैं एडोलेसेंट्स की, जैसे कि प्रोटेक्शन है अनवांटेड प्रेगनेंसी से या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स को चलाती है जिसका मेन एम होता है इनक्रेज करना कि मैरिज जो है उनकी एक सही एज पे करी जाए, चाइल्ड बेयरिंग सही एज पे हो, एडोलेसेंट्स की पढ़ाई लिखाई सही हो, ताकि जो है जो रिस्क होते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह के उनको प्रॉब्लम्स ना क्रिएटेड हों, या कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज जो हैं वो एक्सेसिबल कराएं, अफोर्डेबल कराएं, प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स
न्यूट्रिशनल सर्विसेज या जो लीगल स्टेप्स हैं उनको इतना मजबूत किया जाए ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। तो लोग जो हैं वो नेशन के सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। एक वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर पॉपुलेशन में पावर दे सकता है औरों के मुकाबले। तो ये था हमारा चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन।